एक सहेली की भाई ने धोखे से बहन की सहेल को मार दिया। हेलो गाइस, वेलकम बैक, मेरे चैनल में स्वागत है, सच्ची कहानी में आप लोग का स्वागत है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपका पैसा नहीं कटेगा, आपकी एक छोटी सी हेल्प किसी की ज़िंदगी बना सकती है। दो सहेली थे, एक दिन क्या हुआ, एक सहेल की शादी फिक्स हो गई। होने के बाद वो दूसरी सहेली बोली, ये तो लास्ट टाइम है, पता नहीं शादी के बाद तुम्हारे पति परमिशन देंगे या नहीं देंगे, छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे मुझे नहीं मालूम, तुम आखिरी बार हमारे घर को चलो, हम थोड़ा मस्ती करेंगे, बातें सतें करेंगे, उसके बाद हम गाड़ी में बिठा देंगे, तुम घर चले जाना। उसके घर से वो परमिशन ली, वो दोनों मिलके आ गए। आने के बाद उनके घर वाले बोले, नहीं एक दिन से पहले उसको छोड़ देना, शादी है, बहुत सारा काम है और घर भी आपका बहुत दूर है। वो बोले, हाँ आंटी हम छोड़ देंगे, आप टेंशन मत लीजिए, बस ये आखिरी बार आप मतलब परमिशन दे दीजिए। वो आए, आने के बाद वो एक दिन रहने के बाद उसका फ्रेंड बोली, भैया लेके मेरी फ्रेंड को लेके छोड़ दो बस स्टैंड में, वो गाड़ी चढ़ा के आ जाना। वो बोला ठीक है। वो क्या किया, उसका भाई ने उसको लेके आ गए, बाइक में लेके आ गए। वो बीच रोड में एक छोटा सा जंगल पड़ता है। वो जंगल बोल देते, दूसरी फ्रेंड को फोन करके बोल देते, हम ऐसे बहन की फ्रेंड को लेके जा रहे। वो उनके दिमाग में शैतानी मतलब आइडिया आ गया था, वो ऐसे डिसीजन लिए थे, हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे हो गया था। वो जंगल जैसे हुआ, वो बोला हम एक मिनट में आते हैं, थोड़ा सुसु करके आते हैं। वो बोला ठीक है। वो लड़का अंदर चला गया। जाने के बाद बहुत टाइम वो बाहर नहीं आया। वो लड़की डर रही थी, पता नहीं किधर गए, क्या हुआ पता नहीं। वो ऐसे बोले, भैया भैया, लेकिन वो कुछ आवाज़ नहीं आया। वो थोड़े रोड से थोड़ा दूर मतलब अंदर की तरफ गया, भैया भैया बोला के मतलब बोल के गया अंदर। पता नहीं क्या हुआ होगा, क्यों नहीं आ रहे, अभी तो बोले एक मिनट में आएंगे, लेकिन इतना टाइम हो गया, आधा घंटा हो गया, नहीं आ रहे। वो चिल्ला चिल्ला के अंदर तक चले गए। जैसे अंदर वो गई, वो सारे वो उसका फ्रेंड का भाई जो था, उसका फ्रेंड सारे उधर छुपे हुए थे। उसको मुंह में हाथ डाल के उसको अंदर लेके गए, उसके साथ बलात्कार करके उसको मार दिया। माने के सिवा उसके पास कोई चारा ही नहीं था, क्योंकि वो सबको पहचानती है, सबको नहीं तो उसके फ्रेंड की मतलब भाई को पहचानती है, सब कुछ बोल लेगी तो सबकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। सब लोग क्या किया, उसको मार के चुप के निकल गए। देखे रोड में कोई नहीं तो खुद के घर को सभी चले गए। जाने के बाद उसकी बहन बोली, भैया छोड़ के आ गए क्या? बोले हाँ। वो अभी तक फ़ोन नहीं किए, अभी तक तो मतलब घर में पहुंच जाना चाहिए था, मैं तो बोल के रखी थी जब घर पहुंच जाओगे तो फ़ोन कर लेना, फ़ोन लगाए लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ था। उसके बाद एक दिन हो गया, अब रात को उनके घर वाले फ़ोन किए, बेटा वो बोले थे हमारे बेटे को भेजने के लिए, उसका नंबर तो नहीं लग रहा है, तो तुमको तो भेजना चाहिए था, हम तो बोल के भेजते तुम्हारे साथ। बोले आंटी क्या मजा कर रहे हो, हम तो भेज दिए ऑलरेडी, तो अभी तक आपके घर में होना चाहिए। नहीं तो नहीं आया, ये क्या तुम क्या मजाक कर रहे हो। बोले नहीं आंटी हम मजाक नहीं करे, वो ऑलरेडी चली गई है, आपके कोई रिश्तेदार है क्या, कोई जान पहचान वाले है, कोई और किधर जा सकती है क्या। बोले ऐसा तो नहीं है, किधर नहीं जाएगी, शादी का माहौल है, वो उसकी शादी है, खुद का शादी है, ऐसा नहीं कि वो पिकनिक जा रही है, किधर मूड होगा किधर चले जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसे करके वो ऐसे रात भर ढूंढते रहे, कोई मतलब सरावा नहीं मिला, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, किसी को नहीं मिली। सुबह हुआ, फिर फोन आया, ये फिर फोन की, लेकिन कोई आता पता नहीं। वो हर जगह में ढूंढने लगे सब लोग। उसका भाई के बोला, भाई तुम छोड़ के तो आए थे ना। बोले हाँ छोड़ के आए थे, वो गाड़ी में चली गई, वो बोल रही थी किधर जाने के लिए, पता नहीं किधर जाने के लिए बोल रही थी, ऐसे वो झूठ बोल दिया। उसके बाद सुबह हुआ, सुबह होने के बाद बकरी चराने वाला एक बच्चा बकरी चरा रहा था उधर वही जंगल में। उसको वो देखा कि वो अचानक से वो सारे बकरी भाग रहे, नहीं खा रहे घास। वो देखा क्यों क्यों भाग रहे, वो फिर वापस लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो फिर से भाग रहे थे। वो सोचा क्या हुआ, वो क्या देखे ऐसे भाग रहे, वो ऐसे डर रहा था, छोटा सा लकड़ी था उसके हाथ में। वो अंदर गया, जाके देखा तो एक लाश है। वो चिल्ला के डर के दौड़ने लगा। कुछ दूर में एक छोटा सा चाय का दुकान था, वो उधर आके बोला, अंकल अंकल उधर एक कोई मर गया है, एक लड़की या पता नहीं औरत क्या है मर गई है। बोला सच बोलो क्या। बोले हाँ मेरे बकरी सभी भाग रहे हैं, मुझे डाउट हुआ, मैं जाके देखने लगी तो वो मर चुकी है। वो अंकल क्या किया, वो उसका दुकान को बंद करके उसके लड़के के साथ जाने लगे। जाके देखे तो वो लड़की है, कपड़ा कुछ नहीं है उसके, हर जगह पे खून ही खून है। वो सारे लोग को चिल्ला कर बुलाने लगी, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। उसके बाद पुलिस को फोन किए, पुलिस जाके उधर पहुँच गए। जाने के बाद सब मतलब वो लड़की का घर दूसरे एरिया में था, वो आई थी दूसरे एरिया में, कोई जान पहचान वाला उसके था नहीं उधर। सब बोला हम नहीं जानते, हम तो पहली बार देख रहे हैं उसको।
वो लड़का को मालूम पड़ गया, वो तो इधर उधर ढूंढ रहे थे कोई मिल रहा है क्या, को देख रहे क्या, उसको लास्ट किसको मिल गया क्या, वो तो डर रहे थे सब लोग, मतलब चक्कर लगा रहे थे, उनको मालूम पड़ गया मतलब पुलिस के हाथ लग गए लास्ट। उसके बाद क्या क्या, पुलिस ने फोटो छोड़ दिए, न्यूज़पेपर ने फोटो छोड़ दिए, छोड़ने के बाद उनकी लड़की की घर बार उनको मालूम पड़ गए। वो क्या क्या, बोले हम जाके एक बार इंक्वायरी करते हैं। वो सारे घर वाले आगे आ रहे थे, वो लड़की को बोल दिया हम जाके उधर देखेंगे वो किसका लाश है, हम जाके देखेंगे, हम आ रहे हैं। वैसे करके उनका घर दूर था, रात हो गया, वो रात से पहले वो पहुंच नहीं पाए, दूसरे दिन में आने के लिए प्लानिंग किए थे। तो क्या हुआ, वो रात को वो लड़का लड़कों से भी डर गए, मतलब चेहरा पहचान जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। रात को क्या हुआ, एक सिक्योरिटी उधर लगाए थे जंगल में, लाश के साथ कोई छिड़कन करेगा, कोई लेके चला जाएगा, क्या है वही तो आखिर निशान है, उसको पोस्टमार्टम करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि कौन मारा कैसे मारा मालूम पड़ेगा। रात को क्या कि वो सिक्योरिटी एक लंठन लगा के उधर एरिया में, मतलब करंट नहीं था, करंट का कोई मतलब बंदोबस्त नहीं था, वो एक लंठन लगा के दूर में मतलब लाश के पास लगा के दूर में आके रोड की साइड में बैठता था। वो ऐसे वो तो चार पाँच लड़के थे, वो नोटिस किए वो पुलिस किधर बैठा है, हमको किधर से आना है, ऐसे करके क्या क्या एक लड़का क्या किया लंठन के ऊपर एक दो चार ऐसे पत्थर मारा, मारने के बाद वो कांच टूट गया, टूटने के बाद वो गिर के बुझ गया, लाइट बुझ गया, फुल अंधेरा हो गया। तो यही टाइम में वो क्या किए, वो जाके एसिड डाल दिया उसके चेहरे पर, फूल सर से लेके पांव तक एसिड डाल दिए, मारा फूल चेहरा जल गया, बिगड़ गया, अब कोई मतलब पहचाना गया नहीं, उसका कपड़ा वगैरह जला दिए। वो पुलिस को डर के चला गया, वो अकेला था, उसके हाथ में गन नहीं था, बस ऐसे ही उसको सिक्योरिटी में एक डंडा दे के उसको बिठा देते उधर। वो डर गया, पुलिस को फोन किया, पुलिस से आने लगे, इतने टाइम में उनका काम हो गया, वो चले गए आके देखे, वो जिधर लाश था उधर थोड़े दूर उसको को खींच के लेके गए हैं कुछ दूर, उधर जाके एसिड डाल दिए, वो फुल कीड़ा हो गया था। दूसरे दिन उनके घर वाले आए, आने के बाद देख के बोले बड़े स्ट्रक्चर से उनको लग रहा था, वो डाउट में थे लेकिन इधर उधर ढूंढने लगे उसको, थोड़ा कपड़ा जला हुआ कपड़ा किधर मिला थोड़ा थोड़ा, उनकी बेटी थी वो तो पहचान जाएंगे, थोड़े थोड़े चप्पल था किधर जला हुआ था, वो देखे ऐसे मालूम पड़ गया भाई हमारी बेटी है, वो मार दी है, वो डायरेक्ट किया गया, वो उनके घर वाले के नाम पर केस किया, बोले उनकी घर वाले ने मार दिया। वो लड़की क्या बोले, उसके लड़की का जो फ्रेंड थी वो बोले भैया तुम मार दिए, तुम मुझे झूठ बोले, तुम बोले बस में बिठा के आया, तो ये तो हमारे घर की मतलब ये तो रोड क्रॉस करके तो बस स्टैंड आएगा, तो तुम कैसे तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मार दिए, ऐसे बोल के वैसे डाउट वाउट में उसको सडन मतलब पकड़ लिया पुलिस ने। वो छुप नहीं पाया ज़्यादा दूर, मतलब जा नहीं पाया, छुप नहीं पाया ज़्यादा टाइम। उसके बाद बहुत पिटाई किए, वो बोल दिया सारे लड़के का नाम बोल दिया, उसके बाद लड़का को लाइफ टाइम जेल हो गया। थोड़ा अगर वो दिमाग से सोचता हमको क्या मिलेगा, जैसे जिंदगी में मानो कभी लड़की देखी ना हो, लड़की देखी नहीं कि मतलब अंदर से वो राक्षस बाहर आ गया, थोड़ा सा सबर नहीं, थोड़ा सा कंट्रोल नहीं, ऐसा क्या इंसान हो भाई तुम, कर दिया ना अपना जिंदगी खराब, माँ बाप का जिंदगी खराब कर दिया, खुद का नाम खराब कर दिया, घर वालों के नाम खराब कर दिया, थोड़ा आपको सोचना चाहिए था, लेकिन वो नहीं सोचा, सभी को सोचना है कुछ करने से पहले। वो खुद को बहुत स्मार्ट समझ रहा था, बहुत चालाक समझ रहा था, मतलब उसका घर उधर है हमारा घर इधर है कुछ मालूम नहीं पड़ेगा, थोड़ा मतलब दिमाग यूज नहीं किया, मानो जैसे वो नशे में था, शराब पिया हुआ था, क्या हुआ था पता नहीं, लेकिन वो सारे होश हवस खो दिया था। थोड़ी सी गलत के लिए एक की मासूम की जान चली गई, उसकी घर बर्बाद हो गई, खुद का घर बर्बाद हो गई, खुद की जिंदगी भी बर्बाद हो गई। खुद का ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, सब कुछ सोच समझ कर कीजिए। रखती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।